और उसका उसमें दर्शन होता है, हम सब एक हैं और सबका साथ सबका विकास मोदी जी का जो मंत्र है उसको आगे बढ़ाने के लिए भी ये कुंभ उपयोग रहेगा। गंगा जी है तो जल है और इसलिए त्रिवेणी संगम है और इसलिए ये पवित्र कुंभ है। तो गंगा जी, उनकी रक्षा करना, उनका साफ सफाई सुथरा रखना, ये हमारी सबकी जिम्मेवारी है। मुझे लगता है कि इस कुंभ के कारण देश में एक नई चेतना का हम लोग अनुभव कर रहे हैं और आने वाले दिन ये देश के यही चेतना इस देश को आगे बढ़ाए। जी, आपने गंगा जी का दर्शन किया, हनुमान जी का दर्शन किया, इसके अलावा अक्षय वट का दर्शन किया है, कैसा फील हो रहा है? बहुत बहुत खूब आनंद हुआ, ये दिव्यता का अनुभव भी हुआ क्योंकि ये अक्षय वट 450 साल तक कैद में था। मोदी जी ने ये ओपन किया जनता के लिए, दर्शन के लिए, ये बहुत बड़ी हिस्टोरिकल बात है और मुझे लगता है कि इतिहास में ये पहली बार हुआ है। तो आज लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और हमारे लिए ये बहुत श्रद्धा का विषय है। हनुमान जी का भी दर्शन किया, ये भी एक अद्भुत है और एक सीता जी ने यहाँ सब उनके आशीर्वाद से ये हुआ है, ये इतिहास है। तो बहुत आनंद हुआ और प्रसन्नता का भाव। एक सोमनाथ का मंदिर बना है गुजरात में, अयोध्या में राम मंदिर की सब लोग गुजारिश कर रहे हैं, जल्दी बन जाए, क्या कहेंगे? मोदी जी ने स्पष्ट किया है कि हम कानून को आदर करते हैं और कोर्ट में ये मामला जल्दी से जल्दी सुलझ जाए। कांग्रेस उसको डिले कर रही है, इंटेंशनली कर रही है, पॉलिटिकल कर रही है, लेकिन हमें पूर्ण श्रद्धा है कि कोर्ट के माध्यम से जल्दी ये मामला सुलझ जाए।